चलिए आज हम चलते हैं कोडिया गांव और वहां पे हम जाकर देखते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कितना पंडाल बना है, क्योंकि वहां पर 7 अक्टूबर से कथा होनी है। तो हम आज जाकर जायजा लेंगे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का पंडाल कितना दूर तक बन चुका है, कितना काम बाकी है। आज का मौसम देखिए बहुत सुहाना है। आज हम चलते हैं और वहाँ का जायजा लेते हैं। चलिए मेरे साथ आप लोग बने रहिए और हम मिलेंगे कोडिया गांव जाकर। ठीक है, आप लोगों को मैं रास्ता का भी नज़ारा दिखाते चलूँगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। आज हम दुर्ग से कोडिया गांव जा रहे हैं, जिसकी दूरी 22 किलोमीटर है। हम धमधा रोड से होते हुए कोडिया गांव जा रहे हैं। तो देखिए चारों ओर बहुत हरियाली है, क्योंकि अभी बारिश बहुत ज़्यादा यहां पर हो रही है। आज थोड़ा मौसम खुला है, तो हम चले हैं वीडियो बनाने। आज थोड़ा धूप है तो हम जा रहे हैं वीडियो बनाने। देखिए धमधा रोड से हम सीधा आएंगे, सीधा आके राइट हैंड की तरफ टर्न लेंगे। यहाँ पे देखिए सामने ही आपको एकदम बोर्ड दिख जाएगा रोड के ऊपर, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा होना है। और यहाँ पे गेट भी बन रहा है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कथा हो रहा है। इसे पोटिया गांव भी कहा जाता है। और रोड से ही आपको ये छोटे छोटे स्टॉल दिखेंगे, ये बाद में स्टॉल बनेंगे। यहाँ पर लोग सामान बिक्री करने के लिए बाहर से आते हैं, ये उनके लिए स्टॉल बन रहा है। और यहाँ पर रोड को भी देखिए मुरम से अच्छी तरह से बराबर कर दिया गया है, जिससे आने जाने वाले लोग को कोई तकलीफ़ ना हो। इसके लिए रोड के दोनों तरफ मुरम बिछा दिया गया है। देखिए यहाँ से आपको स्टेज और डोम जो बन रहा है वाटरप्रूफ पंडाल, उसका नज़ारा मैं दिखा रही हूँ। काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, आज थोड़ा मौसम अच्छा है तो लेबर बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। और सामने में स्टेज बनेगा, जहाँ से पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपना कथा वाचेंगे। तो वो स्टेज की भी अभी तैयारी हो रही है। और इसके दोनों साइड में बहुत बड़ा वाटरप्रूफ पंडाल बन रहा है, चलिए मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही बड़ा पंडाल बन रहा है, मैं आप लोगों को यहाँ से पूरा दिखाती हूँ। काफ़ी दूर तक पंडाल है, काफ़ी लंबा पंडाल है। और उसके ऑपोजिट में और एक पंडाल इस साइड तैयारी हो रहा है, देखिए। ये देखिए ये भी काफ़ी लंबा पंडाल है, मैं इधर से आप लोगों को दिखा दूं, इसकी लंबाई देखिए आप, जहाँ से पंडित प्रदीप मिश्रा जी बैठ के कथा बोलेंगे वो इसका स्टेज है। यहाँ पे स्टेज बन रहा है, अभी काम अपने पूरे जोर शोर में है, अभी पूरा बना नहीं है, अभी बाकी है। 5 दिन, 5 दिन में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पूरे श्रमिक लगे हुए हैं काम में। ये देखिए ये है पंडाल, ये देखिए मैं अंदर से दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये पंडाल अंदर से देखिए, अभी नीचे में भी कुछ बिछाया नहीं है, अभी नीचे में इसी तरीके से है, काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए ग्रीन कालीन रखा है, इसको बिछाया जाएगा नीचे। अभी पंडाल का काम ही चल रहा है, पंडाल का काम होने के बाद नीचे का काम किया जाएगा। आप देखिए पंडाल कितना बहुत ही बड़ा वाटरप्रूफ पंडाल बना है, देखिए ऊपर से। यहाँ पे सब रखा है, कालीन जो बिछाएंगे, ग्रीन वाला जो आता है ना कारपेट, वो रखा हुआ है, जिसको नीचे बिछाया जाएगा। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारा रखा हुआ है नीचे। ये ज़मीन को भी बराबर किया जाएगा बिछाने से पहले। यहाँ कुछ रेड वाला रखा है। चलिए हमें पंडाल के अंदर कुछ बच्चे दिखाई दिए, जो कि आसपास के गांव के हैं। हेलो बेटा। हेलो, कैसे हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ रहते हो? मेड़ेसरा में। इधर गांव में? हाँ। तो यहाँ पे अभी क्या करने आए हो दोपहर में? अरे काम चला, तिल देखे लाए हैं। अच्छा, देखने के लिए आए हो? हाँ। तुम लोग इंटरेस्टेड हो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनने में? हाँ। समझ में आता है पंडित जी क्या बताते हैं? थोड़ा थोड़ा आते वक्त ज्यादा नहीं की सकन जितना। अच्छा, तो कहाँ देखते हो? टीवी में? टीवी में देखता ना, अभी भिलाई में हो रही तो भिलाई में। अच्छा, भिलाई में गए थे? मैं भिलाई से ही आई हूँ, तो भिलाई में गए थे देखने। अच्छा, तो उनका क्या चीज अच्छा लगता है तुम लोग को? वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और यही शिव तत्व है। हाँ। और एक लोटा जल और सारी समस्या का। तो ये चीज पसंद है, मतलब जो हाँ, पंडित जी बताते हैं। हाँ, तो तुम लोग उसको फॉलो करते हो, जाते हो मंदिर? करते हैं, रोज जाते हैं। मंदिर जाते हो? हाँ, और जल डालते हो? हाँ। बहुत अच्छी बात है, मंदिर जाना चाहिए, जल डालना चाहिए, जो समय मिले। अभी पढ़ने वाले बच्चे हो ना, रोज समय नहीं मिलता, लेकिन जब भी समय मिले मंदिर जाओ और वो करो। तो यहाँ पे रोज आओगे? रोज आएंगे। रोज आओगे कथा होगा तो? अच्छा ठीक है, रोज आना सुनना,
और ये अच्छी बात है। चलिए फिर अब घर जा रहे हो? घर जा रहे हैं, गृह से जाएंगे खेत खेत। अच्छा खेत खेत घर चल जाओगे, अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भैया, बोलो एक बार जोर से सब। हाँ सब जोर से। चलिए कुछ और लोग आए हैं यहाँ पे पंडाल देखने के लिए। श्री शिवाय नमस्तु भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग? बेडलसराय से। अच्छा आज कैसे आए? अच्छा पंडाल को। आप लोगों को खुशी हो रहा है कि आप लोगों के गांव पंडित जी आ रहे हैं, कथा बोलेंगे 7 दिन, उसकी खुशी है? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी। तो आप लोग रोज आएंगे ना कथा सुन? और कुछ बताइए, पंडित जी को फॉलो करते हैं आप? अभी तक फॉलो नहीं करते हैं, कथा नहीं सुनते उनका? टीवी में। अच्छा फर्स्ट बार आप देखेंगे पंडित जी को? मतलब फर्स्ट बार देखेंगे आप लोग, मतलब इसके पहले आप लोग नहीं देखे पंडित जी को? टीवी बस में देखे, मतलब कथा सुनने कथा स्थल में फर्स्ट बार आप लोगों का है, तो आप लोगों को तो बहुत खुशी होगा कि चलो हमारे गांव में पंडित जी आए हैं। हाँ चलिए आप लोगों का कथा बहुत अच्छे से हो, भगवान करे बारिश ना हो और कथा अच्छे से आप लोगों का जाए। हाँ हाँ ये आप लोगों का पंडित जी को क्या अच्छा लगता है आप लोगों को पंडित जी के बारे में? उनका कथा अच्छा लगता है कि बोलने का ढंग, मतलब क्या चीज पसंद है आपको पंडित जी के बोलने का ढंग? सभी अच्छी चीज लगती है, यानी क्योंकि और उनका जो जैसे वो उपाय बताते हैं उपाय अच्छा लगता है। आप लोग उपाय कुछ करते हैं उनका? कुछ लाभ मिलता है उपाय से? ऐसे अभी तो लाभ तो नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मतलब जैसे एक उपाय तुरंत करने से तो लाभ नहीं होगा, थोड़ा सा हाँ धीरे धीरे, तो मतलब आप लोग उपाय करने के करते हैं मतलब जो बताते हैं, तो चलिए अच्छा है। श्री शिवाय नमस्तु भैया। एक पंडाल ये है देखिए, देखिए काफी बड़ा पंडाल बना है अभी। यहाँ पे देखिए कारपेट रखा हुआ है, अभी नीचे खाली है, अभी इसको कारपेट बिछा दिया जाएगा बाद में। देखिए गाड़ियाँ आ रही है सामान ले लेके, क्योंकि पंडाल का काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, बारिश की वजह से बीच बीच में रुकावट आ जाती है। आज थोड़ा दिन धूप निकला है तो आज काम थोड़ा जोर शोर से चल रहा है। ये देखिए देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे लड़कियाँ भी आई हैं गाँव की, जो यहाँ पे अपने गाँव में जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा होना है वो पंडाल देखने आई है। इनके मन में बहुत खुशी है क्योंकि इनके गांव में फर्स्ट बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, तो ये लोग बहुत एक्साइटेड हैं। चलिए हम पूछते हैं इन लोग से, ये लोग कितने एक्साइटेड है और ये लोग आगे 7 दिन क्या करेंगे। चलो बच्चों हाय, श्री शिवाय नमस्तु भैया। अच्छा ये बताओ, ये जहाँ पे कथा हो रहा है कथा स्थल का नाम क्या है गाँव का? मेडेसराय। अच्छा तो आज आप लोग क्या करने आए हैं यहाँ पर? देखने के लिए आए हो कि मतलब क्या तैयारी चल रही है? अच्छा आप लोगों को क्या पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बारे में कुछ पता है? सुने तो है, देखी नहीं है, देखना बाकी है, आएंगे तो पता चलेगा और मिलेंगे। अच्छा फर्स्ट बार देखोगे? कथा वगैरह सुनते हो टीवी में? मतलब टीवी में देखे हैं साक्षात, अभी फर्स्ट बार देखना होगा, तो आप लोग कितना एक्साइटेड है? आप लोगों के जैसे अच्छा आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मतलब आप लोगों के गांव में ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब त्यौहार है, इस तरीके का माहौल है। अच्छा अच्छा और कुछ बताओ, तैयारी क्या चल रही है, क्या आप लोग क्या क्या तैयारी करे हैं पंडाल में आने के लिए, कोई बताएगा? बताओ क्या तैयारी करी, नया कपड़ा वपड़ा खरीदी हो? नहीं बोलो। खरीदी है, नया कपड़ा पहन के आओगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा सुनने के लिए ना? कुछ फॉलो भी करते हो कि नहीं, कि खाली कथा सुनते हो? फॉलो करते हैं आप लोग के? जब से उनका भागवत स्टार्ट हुआ है ना, तब से सब लोगों को मतलब मेरे सराय में बहुत लोग हैं, मंदिर वगैरह सब मतलब जाने लगे हैं, पूजा वगैरह सब सब मतलब सब लोग का बहुत आस्था उससे जुड़ा है, मतलब पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी तो आए हैं, तो क्या हुआ कि बच्चे बच्चे भी मंदिर जाने लग गए, मतलब ये चीज़ हुआ है हमारे समाज में, बदलाव आया है। जैसे बहुत से बच्चे मंदिर नहीं जाते थे, लेकिन अभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का भागवत सुन सुन के लोग मंदिर जाना सीख गए हैं, तो एक अच्छा बदलाव है कहा जाएगा। तो चलिए आप लोग अब इंतजार करिए कब 7 तारीख आएगा, आप लोगों का इंतजार खत्म होगा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी आएंगे और उनको आप लोग देखिएगा सुनिएगा। श्री शिवाय। देखिए इस गांव में इतना क्रेज है पंडित जी का कि लोग ट्रैक्टर में बैठ के, देखिए वहाँ ट्रैक्टर लगा है और ट्रैक्टर में बैठ के महिलाएं आई हैं सिर्फ पंडाल देखने के लिए, कि चलो हम पंडाल देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो उस समय उतना हमको जगह नहीं मिलेगा आगे जाने का, इसलिए पहले से आ चुके हैं। पंडाल के बीच में एक शख्स मिले हैं जो पंडाल का काम करते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भैया। अच्छा भैया ये बताओ कहाँ से आए हो? हमारे सागर से। सागर से आप क्या यहाँ पे क्या काम के लिए आए हैं? यहाँ पे ये पंडाल बनाने के लिए आए हैं। ये पंडाल आप लोग बना रहे हैं, तो कितने दिन से आए हैं यहाँ पर? 8 तारीख से आए हैं। पिछले महीने 8 तारीख से, और आपका ये 7 तारीख को 1 महीना हो जाएगा यहाँ पे ना? 1 महीना हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो पूरा पंडाल का कॉन्ट्रैक्ट आप लोग का है, मतलब पूरा कोई सेठ जी ने लिया था जिसको आप लोग बना रहे हैं, तो ये क्या वाटर प्रूफ है क्या?
डोम बोलते हैं। कितना पंडाल बनेगा इस तरीके का? इस तरीके दो हैं, 500 फीट का ये है और 500 का ये है। तो ये देखिए ये वाला है 500 फीट का, एल्युमिनियम वाला ही बनना है, ये एल्युमिनियम वाला बना। और ये भी जो है ये भी 500 फीट का है ना, दो 500 फीट के हैं। और बीच में क्या बनेंगे जो एक खाली जगह है? एल्युमिनियम वाला बनना है, इसमें 1000 फीट का लगेगा सारे। वो एल्युमिनियम वाला बनेगा। अच्छा, कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे आप लोग? दो दिन में हो जाएगा लगभग। स्टेज वगैरह बन जाएगा दो दिन में? तो बन ही गया। नहीं नहीं, वो जो कथा होगा जहाँ पंडित जी बैठेंगे वहाँ सजावट करना पड़ेगा ना। तो दो दिन में कर देंगे, दो दिन में कंप्लीट कर देंगे, दो दिन में हो जाएगा ये सब, ये कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग छिंदवाड़ा से आए हैं? नहीं, सागर से। तो आप लोग पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जहाँ भी पंडाल बनता है वहाँ जाते हैं क्या? कॉन्टैक्ट पर रहते हैं वो, तो कॉन्टैक्ट, अगर आप लोगों को मिला कॉन्टैक्ट तो आप लोग जाते हैं। अच्छा, तो फिर आप लोग 7 दिन यहाँ रुकेंगे? रुकेंगे और क्या, काम चलेगा तो देखभाल करना पड़ता है। 7 दिन देखभाल होगा, कथा समाप्त होगा, फिर सब लेके अच्छा लेके जाएंगे। और यहाँ खाने पीने का आप लोगों का क्या व्यवस्था है? पीने का हम बना रहे हैं, वो हमारी झोपड़ी, झोपड़ी डाले हैं आप लोग उसमें बना रहे हैं। और सोने होने के लिए यहाँ पे बारिश वारिश होता है तो वाटरप्रूफ है ना? अच्छा, मुश्किल नहीं होता है। तो चलिए, ये बहुत अपना लो जी जान लगाकर पंडाल तैयार कर रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। और बहुत जल्दी कथा शुरू होगा, 7 तारीख आने वाला है। मात्र 5 दिन बच गया है, आज 2 तारीख है, मैं शूटिंग कर रही हूँ उस दिन 2 तारीख है। 5 दिन के बाद यहाँ कथा सुनी शुरू होनी है। देखिए लोग पूरे एकदम तैयारी में लगे हैं, सब ऊपर चढ़कर जल्दी जल्दी पंडाल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी लोग चढ़े हैं, यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके काम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, 5 दिन मात्र रह गए हैं। एक बार मैं आप लोगों को चारों तरफ से पूरा एरिया घुमाकर दिखा दूं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं। इस पंडाल को देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने भारी मात्रा में लोगों के आने की यहाँ पे गुंजाइश है। उसको देखते हुए बहुत बड़े बड़े पंडाल बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अब काले काले बादल दिखाई देने लगे हैं, कब बारिश शुरू हो जाएगी। तो हम अपने घर की तरफ अब निकल पड़ते हैं, और देखिए अब हम अपने घर की तरफ चल दिए हैं। चारों तरफ का आप नज़ारा देखते चलिए, बहुत ही सुंदर हरियाली है चारों ओर, गांव है, खेत है, चारों तरफ काले काले बादल हैं। देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा है, यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।